दोस्तों, अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं तो आपने इन तीनों की वीडियोस तो ज़रूर देखी होंगी। इनकी वीडियोस काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे शिवम और अन्वेषा की प्यारी सी लव स्टोरी और शादी लाइफ तक की पूरी कहानी, और साथ ही आपको बताएंगे शिवम अपनी साली को अपने साथ क्यों रखते हैं और इन तीनों की असली कहानी क्या है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड तक ज़रूर देखना। वहीं इनकी वीडियोस पर यूज़र्स काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। यूज़र्स का कहना है कि शिवम अपनी साली के साथ भी शादी करने वाले हैं। इन तीनों की कहानी आपको हैरान कर देगी, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अन्वेषा और शिवम की लव स्टोरी और शादी की कहानी जानने से पहले जान लेते हैं कुछ अन्वेषा के बारे में। अन्वेषा का फुल नेम अन्वेषा रॉय चौधरी है। 13 अगस्त 1997 को त्रिपुरा अगरतला में एक बहुत ही ज़्यादा प्यारी बच्ची का जन्म हुआ, जो सोशल मीडिया पर अन्वेषा रॉय चौधरी के नाम से फेमस हैं। ये एक बंगाली फैमिली से बिलोंग करती हैं। इनकी फैमिली की बात करें तो इनकी फैमिली में इनकी मम्मी पापा के अलावा एक सिस्टर और एक ब्रदर है। इनकी सिस्टर को तो आप अच्छे से जानते ही होंगे, जो इनकी सारी वीडियोस में नज़र आती हैं। तो अब बात कर लेते हैं इनकी एजुकेशन और क्वालिफिकेशन के बारे में। स्टार्टिंग की पढ़ाई इन्होंने त्रिपुरा से ही कम्प्लीट की है और ये अपनी ग्रेजुएशन कम्प्लीट कर चुकी हैं। तो अब बात कर लेते हैं इनके स्टार्टिंग से करियर के बारे में। इन्हें बचपन से ही सिंगिंग और डांस करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, और जैसे ही इंडिया में टिकटॉक आया तो इन्होंने भी टिकटॉक पर वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया। ये टिकटॉक पर लिपसिंग वीडियोस बनाती थीं, पर इनकी वीडियोस पर बिल्कुल भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया। पर ये मेहनत करती रहीं और इसके बाद लोग इनकी वीडियोस को पसंद करने लगे, और इनके टिकटॉक पर 200 के हो चुके थे। और इसके बाद इंडिया से टिकटॉक बैन हो गया। इन्हें टिकटॉक से अच्छी खासी पहचान तो नहीं मिली, पर टिकटॉक ने इनकी जोड़ी बना दी। दोस्तों, इनकी शादी और प्यार की असली कहानी जानने से पहले जान लेते हैं कुछ शिवम के बारे में। शिवम का फुल नेम शिवम अचलस है। 28 अगस्त 1996 को न्यू दिल्ली में एक बहुत ही ज़्यादा क्यूट बच्चे का जन्म हुआ, जो सोशल मीडिया पर शिवम अचलस के नाम से फेमस हैं। शिवम के एजुकेशन और क्वालिफिकेशन की बात करें तो स्टार्टिंग की पढ़ाई इन्होंने दिल्ली के एक प्राइवेट स्कूल से की और अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से कम्प्लीट किया। और इसके बाद इनके किसी दोस्त ने इन्हें टिकटॉक के बारे में बताया, तो इन्हें भी एक्टिंग करना पसंद था, तो इन्होंने भी टिकटॉक पर वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया। ये टिकटॉक पर कॉमेडी वीडियोस बनाते थे। लोगों ने इनकी वीडियोस को बहुत ज़्यादा पसंद किया और इनकी कमाल की पर्सनैलिटी और इनकी क्यूट स्माइल के फ़ैन हो गए। और कम ही समय में इनके टिकटॉक पर अच्छे खासे फ़ैन फॉलोइंग हो चुकी थी, जब तक टिकटॉक बैन हो गया। तो अब बात कर लेते हैं इनकी फैमिली के बारे में। तो ये एक बिहारी फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनकी फैमिली में इनकी मम्मी पापा हैं। शिवम की फैमिली बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिंग है और ये अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो फाइनली अब बात कर लेते हैं शिवम और अन्वेषा की प्यारी सी लव स्टोरी और सारी लाइफ तक की पूरी कहानी के बारे में। शिवम और अन्वेषा की दोस्ती टिकटॉक के जरिए हुई थी। अन्वेषा शिवम की वीडियोस देखती थी और उन्हें शिवम की वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद आती थी। एक दिन अन्वेषा ने शिवम को डीएम किया। शिवम किसी काम से बहुत ज़्यादा बिजी थे, इसीलिए उन्होंने उनका मैसेज नहीं देख पाया, और जैसे ही मैसेज देखा तुरंत रिप्लाई किया, और इसके बाद दोनों की हर रोज बातें होने लगीं और ये अच्छे दोस्त बन गए। अन्वेषा त्रिपुरा से बिलोंग करती थी और शिवम न्यू दिल्ली से, इसीलिए इन दोनों की पहले कभी मुलाकात नहीं हुई थी। और एक दूसरे से बातें करते करते इन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। जब शिवम ने अन्वेषा को प्रपोज किया तो अन्वेषा ने तुरंत हाँ कर दी और ये दोनों रिलेशनशिप में आ गए। और एक साल डेट करने के बाद दोनों ने डिसाइड किया कि चलो शादी कर लेते हैं। इसके बाद दोनों ने अपनी फैमिली को मनाया, तो फैमिली वालों ने पहले तो मना किया, फिर बहुत ज़्यादा मनाने के बाद दोनों की फैमिली मान गई
और इसके बाद 9 अगस्त 2022 को दोनों ने बंगाली रीति रिवाज से शादी कर ली और दोनों ने इंस्टाग्राम ज्वाइन किया और कपल्स वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया। फैंस को इनकी जोड़ी बहुत ज्यादा पसंद आने लगी और लोगों ने इन्हें खूब प्यार दिया और इनकी कपल्स वीडियोस काफ़ी तेज़ी से वायरल होती हैं। लोगों को इनकी जोड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे आपको इन दोनों की जोड़ी कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वहीं कुछ यूज़र्स का कहना ये है कि शिवम अपनी साली और अपनी वाइफ को एक साथ क्यों रखते हैं और दोनों के साथ वीडियोस क्यों बनाते हैं और ये तीनों एक साथ ही वीडियोस बनाते हैं। वहीं यूज़र्स इनकी वीडियोस पर काफ़ी निगेटिव कमेंट्स करते हैं कि शिवम अपनी वाइफ को छोड़कर कहीं अपनी साली से शादी ना कर ले। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, शिवम अपनी साली को छोटी बोलते हैं और अपनी बहन की तरह प्यार करते हैं। और ऐसा जरूरी तो नहीं है कि हर रिश्ते का एक गलत ही मतलब निकाला जाए। वहीं अन्वेषा अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं, इसीलिए उसे अपने साथ रखती हैं। आई फील वेरी लकी टू बी हिज वाइफ। तो अब बात कर लेते हैं अन्वेषा और शिवम की सोशल मीडिया पर फेम के बारे में। तो अन्वेषा के इंस्टाग्राम पर 472 के फॉलोअर्स हो चुके हैं और वहीं शिवम के इंस्टाग्राम पर 285 के फॉलोअर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब बात कर लेते हैं अन्वेषा और शिवम की फेवरेट थिंग्स और हॉबीज के बारे में। अन्वेषा को ट्रैवलिंग करना, वीडियोस बनाना और शिवम के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। अन्वेषा कमाल की सिंगर और डांसर भी हैं। इनका फेवरेट कलर ब्लैक और रेड है। वहीं शिवम की बात करें तो इन्हें अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है और इन्हें डांस करना, कॉमेडी करना बहुत पसंद है। वैसे दोस्तों आपको इन दोनों की जोड़ी कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अन्वेषा त्रिपुरा से बिलोंग करती थी और शिवम न्यू दिल्ली से, लेकिन टिकटॉक ने इनकी जोड़ी बना दी और अब फैंस इनकी जोड़ी को बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट करते हैं। अगर आप भी करते हैं इनकी जोड़ी को पसंद तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नई नई स्टोरीज जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने सजेशन जरूर देना, मैं सबके कमेंट्स को रीड करती हूँ। थैंक यू गाइज। मिस्टर ओबोद्रो, क्या कहा आपने? मिस्टर ओबोद्रो, आप बंगाली में क्यों बात कर रही हैं? हिंदी में बात नहीं कर सकती? आमी बंगाली, आमी शुद्ध बांग्ला बोलबो। क्या? आई एम अ बंगाली, आई विल टॉक इन बंगाली। तुम ही एकटा बोका। इसका क्या मतलब है? भागते ताको।